तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी अरब में बिना क्रेडिट कार्ड बिना पोस्टपेड सिम कार्ड के इंस्टॉलमेंट पे फोन कैसे ले। हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है देन दोस्तों आप सऊदी अरब में इंस्टॉलमेंट पे फोन ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन सऊदी अरब में लगभग 80% लोगों के पास पोस्टपेड सिम कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। हाँ दोस्तों, तो वो फ़ोन कैसे ले? तो इसके लिए दोस्तों कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर नॉर्मल बैंक अकाउंट है, जहाँ दोस्तों नॉर्मल बैंक अकाउंट ना कि सैलरी अकाउंट, अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है दोस्तों, आप ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अपना बैंक अकाउंट खुद से ओपन किया है या फिर सैलरी अकाउंट नहीं है, नॉर्मल बैंक अकाउंट है, देन दोस्तों आप आसानी से सऊदी अरब में इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिना पोस्टपेड सिम कार्ड के बिना क्रेडिट कार्ड के सऊदी अरब में सिर्फ बैंक अकाउंट पे फोन इंस्टॉलमेंट पे कैसे ले। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों सऊदी अरब में इंस्टॉलमेंट पे फोन लेने में बहुत ज्यादा फायदा है। जहाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता। थोड़ी देर के लिए अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे फोन लेते हैं तो दोस्तों आपको 10-12% का ब्याज देना पड़ता है, साथ ही आपको डाउन पेमेंट भी करना होगा। 30%, 20%, 35%, 40% तक आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ना तो आपको इंटरेस्ट देना, ना तो ब्याज देना है और ना ही आपको डाउन पेमेंट करना है। जितने का आपका इंस्टॉलमेंट बनता है मंथली, आपको उतना ही पे करना है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से अपना इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने तक का आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है अपना इंस्टॉलमेंट बनाने के पहले कि आप छुट्टी कब जा रहे हैं। जहाँ दोस्तों, छुट्टी जाने के पहले पहले आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप 12 महीने तक हैं तो 9 महीने का ले ले, अगर आप 24 महीने तक हैं तो दोस्तों 24 महीने का आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसलिए दोस्तों छुट्टी जाने के पहले पहले आपको पेमेंट कर देना होगा, क्योंकि अगर आपका इंस्टॉलमेंट चल रहा है पीरियड में, इंस्टॉलमेंट पीरियड में आप छुट्टी नहीं जा सकते हैं, एग्जिट नहीं जा सकते हैं बिना पेमेंट किए। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके बाद दोस्तों सिर्फ बैंक अकाउंट पे भी आपका जो है सो फ़ोन आपको इंस्टॉलमेंट पे दे देगा ज़रीर बुक स्टोर। जहाँ दोस्तों आपको पोस्टपेड सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ अगर आपके पास नॉर्मल बैंक अकाउंट है तो भी आपको बहुत ही आसानी से ज़रीर बुक स्टोर फ़ोन दे देगा। क्योंकि सऊदी अरब में लगभग 80% लोगों के पास जो अजनबी हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, पोस्टपेड सिम कार्ड नहीं है, इसलिए ज़रीर बुक स्टोर दे रहा है फिलहाल बिना क्रेडिट कार्ड बिना पोस्टपेड सिम कार्ड के फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे। बस यही है दोस्तों कि आपको कम से कम 2500 का फ़ोन लेना होगा और मैक्सिमम 30,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो सऊदी लोग के लिए है, लेकिन हमारे लिए है दोस्तों कम से कम 2500 से कम का अगर फ़ोन लेंगे दोस्तों तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मिनिमम 2500। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, एक एक करके ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया है आपकी इंस्टॉलमेंट ज़ीरो है, कोई भी इंस्टॉलमेंट का जो है इंटरेस्ट ज़ीरो है, इंटरेस्ट आपको 1 रुपये का नहीं देना है, ज़ीरो है इंटरेस्ट। उसके बाद डाउन पेमेंट भी नहीं है और गारंटी की भी कोई ज़रूरत नहीं, कोई गारंटी कार्ड नहीं चाहिए, बस आपको वहाँ पे अपना इकामा देना है और बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है 3 महीने का वो देना है बस। उसके बाद दोस्तों आप पब्लिक सेक्टर में हैं या फिर आप किसी कंपनी में हैं तो भी आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको 4 चीज़ देनी है। सबसे पहले दोस्तों कि आपको अपना इकामा देना है वहाँ पे, और सैलरी सर्टिफिकेट देना है, और 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट। जहाँ दोस्तों आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है महीने का, वो आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद GOSI सर्टिफिकेट देना है बस। डॉक्यूमेंट्स में आपको यही 4 चीज़ देनी है, उसके बाद आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलमेंट आपको मिनिमम 2500 से बनेगा, मिनिमम 2500 से कम का अगर कोई सामान लेते हैं या फ़ोन लेते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कम से कम तो आप 3 महीने का ले सकते हैं, 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का, 12 महीने का और 36 महीने का, 24 महीने का भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि छुट्टी जाने के पहले पहले आपको पे करके ही जाना है। दोस्तों बस इतना ही ज़रूरत है अगर आपके पास सिर्फ बैंक अकाउंट है तो। ये सारी चीज़ अगर आपके पास है तो दोस्तों आप किसी भी ज़रीर बुक स्टोर में सऊदी अरब में जाके
फोन आसानी से ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लें और डायरेक्ट ज़रीर बुक स्टोर जाएं, और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों आपको, तो आप डायरेक्ट किसी भी ज़रीर बुक स्टोर में जाएं, वहाँ पे जाके उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि मुझे फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ती है, वो आपको बता देंगे डिटेल में। बताने के बाद दोस्तों आप आसानी से किसी भी ज़रीर बुक स्टोर से फ़ोन ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना है, इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें।